क्विक एंड डिलीशियस क्यूजीन। और आज की एक्साइटिंग रेसिपी है लाहौरी मुर्ग चना। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैं आपको चिकन मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 से 1.5 kg चिकन लिए। इसको मैरिनेट करने के लिए मेरे पास जो स्पाइसेस हैं उसमें मैंने 1/2 tablespoon सॉल्ट ली है, क्रश रेड चिली 1 tablespoon, टर्मरिक या हल्दी 2 teaspoon, और पिसा हुआ धनिया और जीरा, क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर 1/2 tablespoon, साबुत जीरा 1 tablespoon, एंड ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 tablespoon, एंड योगर्ट 1 cup। नाउ लेट्स स्टार्ट। चिकन को हमने एक बड़े बोल में डाल लिया, इसके अंदर हम ये सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है और चिकन को तकरीबन 20 से 30 मिनट लीव करना है। बहुत ज़्यादा देर मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर 20 to 30 minutes। अब हम चिकन की ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑनियंस ली हैं 3 मीडियम साइज, जिनको मैंने फाइनली स्लाइस किया है। साबुत गर्म मसाला में मेरे पास बे लीफ है, 1 cinnamon स्टिक है, क्लोव्स यानी लॉन्ग 3, काली मिर्च, ब्लैक पेपर 7 से 8, और बादियान का फूल 1, और एक ब्लैक कार्डमम, 3 से 4 ग्रीन कार्डमम। यहाँ पे हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट लिया है तकरीबन 2 tablespoon, और ग्रीन चिली 3 से 4, साबुत गरम मसाला जो कि हम एंड में डालेंगे 1/2 tablespoon, बटर लिया है जो कि हमें तड़का लगाने के लिए चाहिए होगा, उसके साथ ही थोड़ी सी अदरक लेके उसको आपने यूँ चॉप कर लेना है या थोड़ा सा बारीक आपने काट लेना है। यहाँ पे हमारे पास मैंने टोमेटो प्यूरी बना ली है, तकरीबन 1 से 1.5 मीडियम साइज़ टोमेटो लिया था। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। और गार्निश करने के लिए यहाँ पे हमारे पास धनिया और ग्रीन चिली है एंड ऑयल फॉर कुकिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हमने एक पॉट ले लिया जिसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 cup ऑयल डाला है। आप चाहे ऑयल में पका लें या घी में पका लें, और इसके साथ ही हम इसके अंदर ये ऑनियंस डालेंगे। इनको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, और साथ साथ हम इनको चेक करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन सी हो गई है, इसको बहुत डार्क नहीं करना वरना आपका सालन जो है वो काला हो जाएगा। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन ऐड करने के बाद तकरीबन 5 to 7 minutes हम इसको फ्राई करेंगे और फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। तो चिकन को 5 से 7 minutes फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हमने गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करना है, और इसको ऐड करने के बाद भी हमने इसको 1 से 2 minutes और पकाना है। फ्लेम को हमने तकरीबन मीडियम से लो पे रखना है, साथ ही इसके अंदर हमने टमाटर ऐड कर देने हैं, साबुत गरम मसाला और ये साबुत ग्रीन चिली। इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करके हमने इसको ऊपर से कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट पका लिया। तो मुर्ग चनों के लिए ऑलमोस्ट 1.5 kg चिकन में मैंने 1/2 kg चने लिए। इनको आपने 5 to 6 hours मिनिमम पानी में सोक करना है या पानी में भिगोना है। मैंने चनों को अच्छी तरह से धो लिया था, और ये वाला पानी भी हम चनों को जब बॉईल करेंगे तो यूज़ करेंगे, मतलब ये पानी साथ में ही डाल देंगे। और इसके साथ हमने 1/2 teaspoon सॉल्ट लिया है, बिल्कुल थोड़ी सी सॉल्ट डालनी होती है चनों को बॉईल करने के लिए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट बॉइलिंग द चने। सो चनों को मैं कुकर में बॉईल करूँगी, इसके अंदर मैं यूँ सॉल्ट डाल दूँगी। आपने पानी देखें किस रेशो में मैंने पानी डाला है, तो इतना ही पानी आपने डाल के चनों को तकरीबन आपने 20 से 25 minutes बॉयल करना है, अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप वैसे देश के में बॉयल कर रहे हैं तो आपने इनको उस वक्त तक बॉयल करना है जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। सो आप देख सकते हैं कि चने बहुत अच्छे गल गए हैं, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं यूँ। और दूसरी तरफ हमारी चिकन भी रेडी हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हमने जो है फ्लेम को मीडियम कर देना है, और हमने इसके अंदर चने ऐड करने हैं। और
आप ये वाला पानी भी चनों का इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इस पानी के अंदर इसका फ्लेवर है, टेस्ट है। तो अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया और हमने थोड़ी देर इसको जो है ना वो हाई फ्लेम पे रख के ऊपर से बंद करके पकाना है। सो लास्ट में हमने एक पैन ले लेना, उसके अंदर यूँ बटर को थोड़ा सा मेल्ट करके आपने इसके अंदर अदरक डाल देनी है और अदरक को थोड़ा सा हमने फ्राई करके इसका तड़का लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि सालन बिल्कुल रेडी है और इसके अंदर पानी जो है वो नहीं होना चाहिए, इसको इस तरह से होना चाहिए। और हमारा तड़का भी रेडी है दूसरी तरफ। अब हमने इसके ऊपर यूँ तड़का डाल देना, बटर का तड़का है ये, आप चाहे देसी घी का लगा लें, कुकिंग ऑयल का लगा लें। और इसके साथ ही हमने जो गरम मसाला लिया था एंड में डालने के लिए वो डाल देंगे, थोड़ा सा कोरिएंडर और थोड़ी सी ग्रीन चिली। अब इसको हमने ऊपर से कवर करके तकरीबन फ्लेम को बिल्कुल लो करके 3 से 4 मिनट इसको दम पे रखना। मुर्ग चने आर रेडी। आई होप यू लाइक द रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं और इसको आप नान के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।